ब्राउन कलर का पर्स था इतना बड़ा से लटका है तो मांग लिया उसका चीज। इसकी गाड़ी में प्लेट है सर, उसमें प्लेट नहीं थी गाड़ी में। प्लेट नहीं? नहीं, नंबर प्लेट नहीं थी। आ रही है थी। साथ में कैमरामैन और फोर्स भेष बदल कर टेस्ट लेने वाली आईपीएस चारू निगम खुद हो गई ट्रोल। औरैया की एसपी चारू निगम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह भेष बदल कर अपने मातहतों का टेस्ट ले रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने एक और वीडियो शेयर करते हुए यहां तक कह दिया कि ओवर एक्टिंग का 50 रुपया इनका काट लेना चाहिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल भेष बदल कर अपने मातहतों की तत्परता जांचने निकली आईपीएस चारू निगम का वीडियो जैसे ही औरैया पुलिस ने ट्वीट किया तो लोग वाह वाही करने लगे। लेकिन आईपीएस चारू निगम का एक और वीडियो सामने आने के बाद अब लोग इस ड्रामा बता रहे हैं। औरैया पुलिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं और एक शख्स ने यहां तक कह दिया कि ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटना चाहिए। दरअसल औरैया पुलिस ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में गुलाबी रंग के सूट में आईपीएस चारू निगम है जो डायल 112 को अपने साथ हुए लूट की सूचना देती हैं। उन्होंने अपनी शिकायत लिखवाई, इसके बाद पुलिस आई, इसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। बाद में बताया कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक लगी है। इस मामले में इस वीडियो को ट्वीट करते हुए औरैया पुलिस ने लिखा, जनपदीय पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम व सतर्कता का चेक करने हेतु पुलिस अधीक्षक औरैया आईपीएस चारू निगम ने स्वयं की पहचान छुपाते हुए सुनसान रोड पर तमंचे के बल पर बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झूठी लूट की सूचना कंट्रोल रूम और डायल 112 पर दी गई, जिसमें जनपदीय पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक रही है। उसके बाद कई ट्वीट भी शेयर किए गए। औरैया पुलिस ने जैसे ही वीडियो ट्वीट किया तो लोग तारीफ करने लगे, लेकिन थोड़ी देर में एक और वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कैमरामैन के साथ आईपीएस चारू निगम बाइक पर बैठकर निकल रही हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैडम को आईपीएस ना होकर एक एक्टर होना चाहिए था, देखिए किस तरह से वाह वाही लूटने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। चलो चलो देखो तुम कौन सी जगह सही रहेगी। और क्या और कहीं चलना सीधे। कई लोगों ने अलग अलग अंदाज में ट्वीट किया। वहीं एक यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली इतनी भी खराब नहीं है कि तीसरे दर्जे के स्क्रिप्ट और उसके उससे भी ज्यादा बुरा सूट व एडिट से भरोसा दिलाने की कोशिश की जाए। आज पुलिस रिफॉर्म और उच्च श्रेणी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ना कि एक्टिंग की। उसके बाद एक यूजर ने लिखा, स्क्रिप्ट तो अच्छी बनाते, इसमें खुद पुलिस ही बेवकूफ लग रही है जिसने खुद की पुलिस अधीक्षक को नहीं पहचाना। वहीं एक यूजर ने लिखा, बड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट बनाई थी मैडम ने, लेकिन सब बेकार हो गया, मैडम को बॉलीवुड में जाकर स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। इस तरीके से कई यूजर्स ने उन्हें ताबड़तोड़ ट्रोल करना शुरू कर दिया और बुरी तरीके से इनकी फजीहत भी हो गई। और इस महिला आईपीएस ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद यूजर्स ने इनकी जमकर क्लास लगा दी है।